को जी जो ठंडी चाय पिलाऊंगी से। अच्छा हो चुके हैं रेडी, आज है हमारा हॉस्टल में सेकंड डे और आज हम घूमने जा रहे हैं। थर्ड डे तो फर्स्ट डे नहीं, आज सेकंड डे विजिट करेंगे ना हम लोग। तो चाओ कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गाइस हम जा रहे हैं कोई गांव में, कौन सा? भगोली गांव। भगोली गांव, भगोरी। हाँ, और वहाँ एडवेंचर भी करेंगे। तो ये है आज चाहू का आउटफिट, दीदी का आउटफिट वो है और मेरी अलाय का आउटफिट किया। और आज तो उसकी हेयर स्टाइल भी चेंज है, आज तो उसकी दीदी ने बनाया उसका हेयर स्टाइल। देखो 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 कैसे लग रही है, कितनी खुश हो रही है। सो गाइस मेरा आउटफिट है ये। तो हम अब करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम लोग निकलेंगे गाँव के साइड और उसके बाद हम निकलेंगे सीधा। आज हम सोचे हाफ जर्नी हम आज करें और हाफ जर्नी हम कल करें, क्योंकि एक ही टाइम जाना मालिक गुरुद्वार बहुत हैक्टिक हो जाएगा। तो हम आज यहाँ से एक दो गांव विजिट करके हम लोग निकल जाएंगे और फिर जो चीज़ हम सोचे हम 6 घंटे का, क्योंकि हमें यहाँ आने में 13 घंटे लग गए थे, हम सोचे 6 घंटे हम ट्रैवल कर लेंगे क्योंकि 13 घंटे का ना बहुत हैक्टिक हो जाता है। फिर हम अर्ली मॉर्निंग फिर कल करेंगे और, है ना। तो आज भी हम कहीं स्टे करेंगे, उत्तरकाशी करेंगे, उससे पीछे करेंगे, उससे आगे करेंगे, वो हमें नहीं पता। और ड्रेस तो मेरा बहुत प्रिटी लग रहा है, दीदी ने बनाया था मेरा ड्रेस, बट कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो मैं आपको अपना आउटफिट बताती हूँ। आउटफिट ये है, और मैंने ये जैकेट ली है फिलहाल। वैसे तो बहुत धूप है यहाँ पे बाहर, बहुत ही धूप आई हुई है। हाँ चल रहे दीदी सामान इसकी। दीदी इसकी वो कहे क्रॉक्स कहे इसके, हाय आगे चल रही थी। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट में टोस्ट मंगा रखे, पोहा मंगा रखा है, फटाफट ऑमलेट एंड ब्रेड। ठंडी हो जाएगी, अभी हम लोग ये खाएंगे। सो गाइस ये था हमारा मैस जहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करने आए थे। यहाँ पे जितना भी वर्क हुआ है ये सारा वुडन से हुआ है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था आगे के लिए, जो कि हम जा नहीं पाए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आके यहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जिसको एकांत चाहिए होता है, जिससे अपना पीस मतलब जो अपना माइंड होता है उसे पीसफुल चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं। तो गाइज जो आज हमारा ट्रिप है, हमारा भगोली गांव का ट्रिप है, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्योंकि आज हमें निकलना भी है। तो अब हम जा रहे हैं उस वाले गांव में। तो वहां पे ना एप्पल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, वो अभी नहीं वो सितंबर तक बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अभी तो उसने जस्ट फ्रूटी पी थी, तो बहुत अच्छी एप्पल की खेती होती है। हर साल जाना ही एप्पल की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे कोई विल्सन नाम के जो एक फॉरनर थे, उनको यहाँ की एक लेडीज से प्यार हो गया था, मैंने ऐसे पढ़ा था। तो उन्होंने उनकी अपने वहाँ से एप्पल, मतलब यहाँ उन्होंने एप्पल की खेती उन्हीं के कारण करी थी। तो यहाँ पे एप्पल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग भी ना जैसे बर्फ़ हो जाती है, अभी दीदी ये सारे उत्तरकाशी के कह रहे थे अभी हम घर चले जाएंगे, जैसे बर्फ़ पड़ेगी तो हम घर चले जाएंगे, वो कह रही थी वो लड़की जिससे मैंने सामान लिया। और आजकल आ रही है, आजकल छुट्टी पड़ रही है, तो बोल पापा वही है यहाँ पे, उसका भाई मम्मी बोल उत्तर घर का है उत्तरकाशी। तो यहाँ के जो लोकल एरिया वाले लोग हैं वो वैसे उत्तरकाशी रहते हैं। और हाँ चाहो जो जिस गांव में हम जा रहे हैं ना, जब विंटर होता है ना वहाँ के लोग सारे उत्तरकाशी मूव हो जाते हैं, तो उसको ना भूत बंगला भी कहते हैं उनके, उनको भूत वाला गांव। हाँ नहीं वो ना खाली रहते हैं, वैसे नहीं खाली रहते, लेकिन अभी के टाइम पे ना वहाँ लोग आए हुए होंगे, लेकिन जैसे यहाँ बर्फ पड़ेगी तो बर्फ बहुत खतरनाक पड़ती है यहाँ पे हिमालय, क्योंकि सामने ही है। तो यहाँ के ना तो सारे लोग, वंडी तो परसों से बैठी हुई है, तो वो सारे जितने भी लोग हैं सब लोग वहाँ पे, कोई नहीं रहता, सुनसान हो जाता है उसके लिए, इसी वजह से उसे ना भूत बंगला वगैरह भी कहते हैं। जितने भी घर बने हुए जो हमारे पुराने टाइम पे घर बने हुए होते थे ना, वो वही है वुडन के बने हुए सारे। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसी टाइप के घर बनते थे पहले, खैर अब तो हर जगह सीमेंटेड हो गया, लेकिन पहले वुडन के बना करते थे, ठंड ज्यादा है ना इस वजह से।
सो गाइज हमें भगारी गांव के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा हर्षिल के लिए। तो यहाँ पे पड़ता है अष्ट वर्ग संरक्षण केंद्र हर्षिल। तो इसी से आगे हम ये वाला रूट सफ़र करेंगे। तो यही गांव की एक रोड निकलती है, रॉयल हिल क्रेस्ट करके भी कुछ है, ये होम स्टे। तो यहीं से हमें सीधा आगे जाना है, हमें बैक नहीं होना है। तो अंदर के लिए बहुत गांव पड़ते हैं और ये आगे शायद यहाँ पे कैंपस भी है। दीदी किस चीज़ का है ये? लक्ष्मी होम स्टे वगैरह। होम स्टे के बारे में लिख रखा सारा। यहाँ पे मिलिट्री एरिया अहेड, व्हीकल स्लो डाउन, मिलिट्री एरिया ही है। और दीदी ये देख, ये मैंने देखा था कल, मैंने किसी उसमें देखा था ये। ये मैंने वो देखा था, नहीं वहाँ जाते हुए देखा था। दी आना भी तो हमने इधर से ही, और क्या रास्ता तो यही है। यहाँ पे मैंने कल किसी का व्लॉग देखा था ना, तो यहीं पे भी बना रखा था उसने, ये मस्त बना। परसों कपड़े लिए थे तो मुझे लगा था मेरा वेस्ट हो गया लेना, बट अब वॉर्थ इट है। तो अब मैं इसको ये वाले कपड़े पहना रही हूँ, ये कपड़े निकाले थे, ये हमने लिए थे, बट हमें लगा था वैसा हो जाएगा। मैं इसको ये वाले कपड़े पहना लेती हूँ। तो ये है गाइस भगोरी गांव। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, हमें नहीं पता था कि मतलब थोड़े से ही आगे जाके हमको ये गांव मिलेगा। तो हमने ये नेट पे सर्च किया था तो हमें ये मिल चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक छोटा सा गांव है। यहाँ ज़्यादा घर नहीं होंगे, ऐसे 20-30 घर होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था और काफ़ी अच्छा था। क्योंकि हमें पहले दिन तक नहीं पता था कि आगे कोई गांव है, कि मतलब लॉन्ग मतलब हम वॉकिंग डिस्टेंस में भी जा सकते हैं। और इस वाले गांव को ना राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 2019 में, जैसा कि आपको मैंने यहां पे दिखाया है। और यहाँ पे काफ़ी पुराने लोग और जो मतलब ये जो आपका जो ओपन होता है गांव, इसी टाइम रहता है जो लोग आए रहते हैं, ये वैकेशन में आए थे। और जो आंटी लोग यहाँ के हैं जो पुराने, वो यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे इनका भगोरी गांव का पूरा एक इन्होंने दिया हुआ है। तो ये उत्तराखंड टूरिज्म के नाम से भी इस गाँव को यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और यहीं पर आपको एक बुद्धा का आपको एक टेंपल दिखाई देगा, मंदिर दिखाई देंगी। और यहाँ पे ये टेंपल अभी फ़िलहाल बंद था, हमने सोचा था वह आते हुए हम यहाँ पे इस टेंपल पे जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू में था। और आप यहाँ के घर देख सकते हैं, सारे लकड़ी के बने हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। जितने भी घर आपको दिखेंगे ये बहुत पुराने वाले टाइम के हैं, यहाँ पर आपको सीमेंटेड कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सारे जो लकड़ी से बने हुए हैं और जो पत्थर से बने हुए ये टीन शेड होते हैं। टीन शेड हमारे इसलिए डाले जाते थे या गांव में इसलिए ऐसे बनाए जाते थे झोपड़ी टाइप, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है ताकि वो उस पर अटके ना। ये था यहाँ का बौद्धा टेम्पल और बहुत ही ब्यूटीफुल कारीगरी की गई थी पत्थरों में। और ये जो पत्थर होते एकदम प्लेन होते हैं, जो हाथ में लेने पे फिसल जाते हैं, इसमें आप पेंटिंग वगैरह के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने आगे जाके देखा यहाँ पे एक आंटी जी, ये मशीन है जितने ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, ये इस मशीन से बना ली थी। शॉप है यहाँ की, ये कार्डिगन है ना दी, हाथ का है बेटा,
ये वाला ये कैप भी बनी है। बैंड तो ये एक ही लेंगे, पिंक कलर। ये ब्लैक ब्लैक में कहाँ दिखेगा तू। सो गाइस ये है सबसे पुराने घर, देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल अभी कोई रह नहीं रहा है। ये रहा, और यहाँ की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना गांव वाली। उन्होंने लकड़ी के ये भी बनाए हुए। ये आंटी जो आप मशीन देख रहे हैं, ये भेड़ के बालों से यहाँ पे ये ऊन बना रही है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मैं जैसे थोड़ा सा आगे आई तो मैं यहाँ पे मेरी नज़र पड़ती है इन सामानों में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे थे। और ये ब्रास के थे, कुछ चांदी के थे, कुछ आपके ये जो पन्ने वन्ने होते हैं जो आप रिंग वगैरह में पहनते हो, लेकिन थोड़े बहुत कॉस्टली होते हैं। क्योंकि मुझे सबसे छोटी वाली कैटल यहाँ पर पसंद आई थी, वो 1900 रुपये की थी, और बाकी सब ने अपने काम कुछ ना कुछ यहाँ पर खोला हुआ था। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ थी, सच में मन कर रहा था बस देखते जाए, और यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। अगर किराया 5000 नहीं होता ना पर डे के हिसाब से, तो मुझे लग रहा था तो मैं यहीं रुक जाती 5-6 दिन, तो एटलीस्ट 1 वीक मैं यहाँ पे रुक जाती। और बहुत ही ज़्यादा आपको जितने भी घर दिखेंगे ना, सारे लकड़ी के बने हुए हैं, अपने हाथों से कारीगरी की गई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने सजाया भी है। जो आपको ये फ्लैग दिख रहे हैं, ये फ्लैग तो मतलब 4 चांद लगा रहे हैं घर को। और ये जो घर है, पहाड़, मतलब जो सीन बन रहा है जैसे हम कभी छोटे बचपनों में देखा करते थे। और यहाँ पे ना इन्होंने पता नहीं क्या करा हुआ था, ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ को डिफ़ाइन करती है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए जो कि वैकेशन में आए हुए थे। और यहाँ पे मैं आपको बहुत पुराना घर दिखाती हूँ, जो कि पूरा लकड़ी का बना हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि घर के नीचे ना गौशालाएँ बनाई हुई है, गायों के लिए, बकरियों के लिए और खच्चरों के लिए। कट्टी करेगा हमारी। ये गौशाला है, देख नीचे, देखा 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 देखा। बैठा दूं आपको? सो गाइस यही था एक छोटा सा हिस्ट्री भगोरी गांव का। और आप यहां पे से हिमालय पर्वत इजी तरीके से देख सकते कि कितना फॉग लगा हुआ है। तो यही था एक छोटा सा विजिट हमारा भगोरी गांव का। अब हम जा रहे हैं वापस, तो अब हम अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। तो मिलती हूँ मैं आपको एक छोटे से व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।